हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास एट एबिलिटी दैट इज थ्रो इट दिस चैप्टर इज आल्सो नोन एज डाइस टेस्ट बिकॉज डाइस को भी हम थ्रो ही करते हैं सो so इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम थ्रो इट रखा है अब डाइस टेस्ट में जो होता है हमारे पास जनरली दो तरह के डाइस होते हैं जिन पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं तो जो डाइस होते हैं वो पहला डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा डाइस जो होता है उसे हम कहते हैं जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में एक बेसिक डिफरेंस होता है द डिफरेंस इज कि स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज सेवन जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें जो ऑपोजिट फेसेस के नंबर्स होते हैं उनका सम हमेशा सेवन रहेगा दैट मीन्स अगर हम कहें कि एक डाइस में फ्रंट में टू लिखा हुआ है सो बैक साइड में हमेशा क्या रहेगा फाइव अगर टॉप पर फोर लिखा हुआ है तो बॉटम में थ्री रहेगा इफ राइट साइड में वन लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में सिक्स रहेगा इट्स डिसाइडेड कि भाई दो ऑपोजिट फेसेस का सम अगर सेवन है सभी दो ऑपोजिट फेसेस का सम नॉट वन सभी ऑपोजिट फेसेस का सम सेवन होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा जनरल डाइस में सम ऑफ नंबर्स ऑन एनी एडजस्टेंट फेसेस इज सेवन कोई भी दो एडजस्टेंट फेसेस का सम सेवन हो सकता है जनरल डाइस में कोई भी दो नॉट कम्पल्सरी कि ये फिक्स होंगे या वो फिक्स होंगे कोई भी दो एडजस्टेंट फेसेस पर ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जिनका सम सेवन हो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वन लिखता हूँ तो बॉटम में सिक्स आ सकता है यहाँ फाइव लिखता हूँ तो यहाँ टू आ सकता है इधर फोर लिखूँ तो इधर थ्री आ सकता है तो अब इस कंडीशन में टू का अपोजिट देखिए यहाँ पर टू का अपोजिट फाइव था बिकॉज हमें अपोजिट फेसेस का सम सेवन करना था यहाँ कंपलसरी नहीं है कि ऑपोजिट फेसेस का सम सेवन हो सेवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट कोई भी दो एडजस्टेंट फेसेस का सम सेवन जरूर होगा कोई भी दो ओके okay? जैसे कि फाइव प्लस टू सेवन वन प्लस सिक्स सेवन फोर प्लस थ्री सेवन तो यहाँ टू का अपोजिट फोर बन गया वन का अपोजिट थ्री हो गया और फाइव का अपोजिट सिक्स हो गया तो ये जनरल डाइस होता है क्वेश्चंस दोनों डाइस पर बेस्ड होते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड डाइस पर क्वेश्चन कम ही आते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे जनरल डाइस पर बनते हैं सो so, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये तो थे टाइप्स ऑफ डाइस अब क्वेश्चन में भी टाइप्स होते हैं अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो टाइप वन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डाइस पर बेस्ड होते हैं जो भी टाइप वन के क्वेश्चंस होते हैं अब डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया इन स्टैंडर्ड स्टैंडस विच नंबर इज ऑपोजिट टू फाइव इन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइस विच नंबर इज ऑपोजिट टू फाइव सो हम जनरली आंसर दे सकते हैं कि भाई सम सेवन होता है ऑपोजिट फेसेस का तो फाइव का ऑपोजिट हमेशा क्या रहेगा टू क्योंकि फाइव और टू सेवन होते हैं है ना तो फाइव का ऑपोजिट नंबर टू रहेगा क्योंकि फाइव और टू का सम सेवन होता है ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन विच नंबर इज ऑपोजिट टू थ्री इफ dice इज स्टैंडर्ड यहाँ हमें एक सिचुएशन दे रखी है वन थ्री फाइव ओके अब हमसे पूछा गया है कि थ्री के अपोजिट फेस पर

जो नंबर एड हुआ वो उसका अपोजिट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस च सिचुएशन इज करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड डाइस ऑप्शन हैं चार डाइस सिचुएशन हमको दे रखी है इस तरह से पहली में लिखा हुआ है वन टू फाइव टू फोर थ्री फाइव सिक्स टू वन टू फोर ओके अब हमें बताए कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो ऑपोजिट फेसेस का सम सेवन होगा लेकिन इस सिचुएशन में जो फेसेस ऑपोजिट होने चाहिए थे वो एडजस्टेंट दे रखे हैं तो यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस सिचुएशन नहीं है यहाँ भी जो फेसेस अपोजिट होने चाहिए थे वो एडजस्टेंट दे रखे हैं फोर और थ्री तो ये भी डाइस सिचुएशन नहीं है इन दिस केस फाइफ और टू एडजेंट दे रखे हैं जबकि अपोजिट होते हैं तो वन एंड ओनली कंडीशन बचती है वन टू फोर यहाँ पर कोई भी ऐसा सिचुएशन एडजस्टेंट नहीं दे रखी है जिनका सम सेवन हो रहा हूं. तो ये हमारा करेक्ट आंसर तो इस तरह के क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड डाइस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं इसके अलावा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे जनरल डाइस डाइस पर पर बेस्ड बेस्ड होते हैं। जनरल ही सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन जनरल डाइस अब जनरल डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जनरल डाइस में हम केवल एक सिचुएशन से ये नहीं बता सकते कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा सो मिनिमम टू सिचुएशंस हमारे सामने होंगी इन जनरल डाइस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू फाइव फाइव के अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है द सिचुएशन आर अब देखो एक सिचुएशन से काम नहीं चलता है एक सिचुएशन से हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं इसलिए हमें दो सिचुएशन गिवन होंगी मिनिमम टू सिचुएशन ठीक है यहां दे दिया वन टू फोर थ्री फाइव टू ऑप्शन से हमारे वन फोर थ्री और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें इन दोनों दोनों सिचुएशन से ये दोनों एक ही डाइस की सिचुएशन है अलग अलग सिचुएशन से कि भाई एक बार डाइस को इस तरह से देखा एक बार डाइस को इस तरह से देखा तो ये दो सिचुएशन हमारे सामने आई अब हमें इन दोनों सिचुएशन से उस डाइस का ओपन डायग्राम बनाना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर किस नंबर के ओपोजिट होगा क्योंकि ओपन डायग्राम में जो ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं एक छोड़कर एक जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट होंगे ओके तो पहले हम ओपन डायग्राम बनाते हैं इसका ओपन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है हम इस तरह का एक डिज़ाइन ड्रो करते हैं दिस इज कॉल्ड ओपन डायग्राम ऑफ ए डाइस अब यहाँ एक ऐसा ब्लॉक है जो दोनों कॉलम और रो का कॉमन ब्लॉक है अब उस कॉमन ब्लॉक में हमें क्या करना है कि इन दोनों सिचुएशन में जो नंबर कॉमन आ रहा है एक ना एक नंबर तो कॉमन होगा ही होगा तो दोनों सिचुएशन में जो नंबर कॉमन आ रहा है उस कॉमन नंबर को हमें इस ब्लॉक में लिखना है उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमने देखा कि 2 के बाद क्लॉकवाइजली 4 आ रहा है एंड देन 1 आ रहा है और हमने देखा कि 2 के साथ में यहाँ 4 ब्लॉक्स खाली हैं एम्प्टी ब्लॉक्स हैं इन चारों ब्लॉक्स में हमें चार नंबर रखने हैं और जो चार नंबर गिवन है वही चारों नंबर हमें यहां पर रखने हैं बिकॉज टू तो कॉमन है उसके अलावा फोर नंबर एक्स्ट्रा गिवन है तो वो फोर नंबर हमें इन चारों ब्लॉक्स में रखने हैं अब वो अगर आप यहाँ क्लॉक मूव कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी क्लॉक मूव करना होगा और यहाँ फिलिंग भी क्लॉक ही करनी होगी ये बात ध्यान रखना अगर हम इसमें क्लॉक चल रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी क्लाक चलेंगे और जो नंबर्स हम फिल करेंगे उसमें भी हम क्लॉकवाइज ही फिल करेंगे तो देखिए टू के बाद फोर फोर के बाद वन तो हमने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू के बाद फोर फोर के बाद वन अब क्लॉकवाइजली पहले इसमें फिल होगा फिर इसमें फिल होगा तो फिर वापस टू से क्लॉक वाइजली हमने मूव किया पहले फाइव और फिर थ्री तो पहले फाइव एंड देन थ्री तो ये सारे नंबर्स क्लॉकवाइजली अरेंज हो गए कि भाई पहले तो फोर फिर वन फाइव और थ्री तो फोर वन फाइव थ्री अब एक नंबर बचा भाई वन टू सिक्स नंबर होते हैं तो सिक्स बचा जो ब्लॉक खाली है उसमें सिक्स लिख दिया हमने अब यहाँ पर जो नंबर्स ऑल्टरनेट हैं जैसे कि फोर का ऑल्टरनेट नंबर है फाइव टू का ऑल्टरनेट नंबर है सिक्स थ्री का ऑल्टरनेट नंबर है वन तो जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ट मींस टू का अपोजिट सिक्स होगा थ्री का अपोजिट वन होगा फोर का अपोजिट फाइव होगा तो यहां हमसे फाइव का अपोजिट नंबर पूछा गया तो फाइव का अपोजिट नंबर होगा फोर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा सॉल्व करते हैं विच अल्फाबेट इज ऑपोजिट टू डी डी का अपोजिट अल्फाबेट क्या होगा हमारी सिचुएशन इस तरह से हैं D A F F C E ऑप्शंस हैं E C F और A तो वंस अगेन हम क्या करेंगे यहां पर ओपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि भाई ऐसे लेकर F तक सिक्स अल्फाबेट्स हैं तो उनके लिए हमने एक ओपन डायग्राम ड्रॉ किया अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज एफ एफ के साथ हमने क्लॉकवाइजली मूव किया तो यहाँ डी और फिर ए तो डी और ए फिर क्लॉकवाइजली मूव किया तो सी एंड ई सी एंड ई और जो एक अल्फाबेट बचा बी दैट इज हियर। तो एफ डी ए एफ सी ई सभी को अरेंज कर दिया हमने अब हमसे पूछा गया है ऑपोजिट टू डी तो डी का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट होगा जो उसका अल्टरनेट नंबर अल्फाबेट आ रहा है दैट इज सी सी हमारा आंसर इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी भी हम सॉल्व कर सकते हैं आपको ओपन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हम क्या करते हैं जिस सीक्वेंस में हम इन्हें फिल कर रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में हम डायरेक्टली नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई हमने क्लॉकवाइज लिखा एफ एफ़ के बाद डी को लिखा डी के बाद ए को लिखा और यहाँ भी एफ के साथ हमने सी को लिखा एंड देन ई को लिखा जिस सिचुएशन में हमने इन्हें लिखा उसी सिचुएशन से हमने एफ़ सी ई को लिख दिया अब यहाँ जो नंबर अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट में लिखे हुए हैं या एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेस वाले अल्फाबेट्स हैं जो अल्फाबेट एक दूसरे के सामने है भाई डी का अपोजिट सी है ये देख लिए डी के अपोजिट सी e है ए के अपोजिट में ई है ए के अपोजिट में ई आ रहा है एफ के अपोजिट में एफ तो आ नहीं सकता तो एक जो अल्फ़ाबेट बचा हुआ है दैट इज बी वो यहाँ आ जाएगा तो एफ का अपोजिट बी हो गया तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फिर आपको ओपन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है which number is opposite to 3 the situations are 1 2 4 3 4 1 अब देखिए हमारे ऑप्शन से सिक्स फाइव टू वन अब देखिए हमने देखा कि जो हमें ओपन डायग्राम बनाना था या थ्री का अपोजिट नंबर बनाने के लिए हमें एक ओपन की जरूरत थी अब ओपन डायग्राम अगर हम बनाएं तो ओपन डायग्राम बनाने के लिए हमें केवल एक कॉमन नंबर चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ दोनों सिचुएशन में दो नंबर कॉमन आ गए फोर एंड वन यहां भी फोर एंड वन तो जब भी डाइस की दो सिचुएशन में कोई दो नंबर कॉमन आ जाते हैं वेन टू नंबर्स आर कॉमन इन गिवन सिचुएशन देन द अनकॉमन नंबर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर रखना कि जब दो नंबर कॉमन हो जाते हैं गिवन सिचुएशंस में तो जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं यहाँ फोर और वन कॉमन हो गया यहाँ फोर और वन कॉमन हो गया तो जो अनकॉमन नंबर है थ्री एंड टू वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होंगे यानी कि थ्री का अपोजिट नंबर पूछा गया है तो वो होगा हमारा टू ये आपको ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन की देखिए जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डाइसिस की सिचुएशन डाइस सिचुएशन भी बढ़ती जाएंगी टाइप वन में एक ही डाइस सिचुएशन मिलती है टाइप टू में दो डाइस सिचुएशन मिली अब टाइप थ्री में तीन डाइस सिचुएशन मिलेंगी क्वेश्चन वही रहेगा विच नंबर इज ऑपोजिट which number is opposite two 4 the situations are 1 2 3 1 3 5 2 4 ऑप्शन है हमारे फाइव वन थ्री और टू ये हमारे ऑप्शन है अब हमें इसे देख चेक करना है जो टाइप टू में हमने दो सिचुएशंस पढ़ी थी दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे कि कैसे ऑपोजिट नंबर निकाला जाता है वो दोनों ही सिचुएशंस हमें याद रखनी है बस उन दोनों ही कंडीशन से हम चाहे तीन सिचुएशन गिवन हो चाहे चार सिचुएशन गिवन हो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन में ऑपोजिट नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए कोई भी ऐसी दो सिचुएशन जिनमें एक नंबर कॉमन आ रहा है या अगर हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऐसी सिचुएशन में है जहां दो नंबर कॉमन आ रहे हैं तो वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा जैसे कि हमने ये देखा कि फर्स्ट सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन दोनों सिचुएशंस में टू और थ्री टू और थ्री दो नंबर कॉमन है तो जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो अनकॉमन नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे यानी कि फोर का वन का अपोजिट फोर होगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन question को सोल्व करने के लिए हमें एक सिचुएशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमारा आंसर आ गया वन तो अगर हमें यह बात ध्यान है कि दो कॉमन नंबर होने पर अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है हम देखते ही आंसर कर सकते हैं लेकिन अगर ये पता नहीं होता तो फिर इन दोनों सिचुएशन में थ्री कॉमन आ रहा था वन कॉमन आ रहा था तो टू का अपोजिट फाइव होता अगर टू का पूछा जाता तो वो फाइव अपोजिट होता या फिर कोई ऐसा नंबर पूछा जाता तो इन तीनों सिचुएशन में नहीं है दैट इज सिक्स तो उसके लिए फिर हमें ओपन डायग्राम बनाना होता तो ओपन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड और थर्ड सिचुएशन को यूज़ करते कि भाई सेकेंड और थर्ड सिचुएशन में केवल एक नंबर थ्री कॉमन है तो थ्री की हेल्प से हम पूरा ओपन डायग्राम बना लेते और फिर जो भी नंबर हमसे पूछा जाता वो अपोजिट नंबर हम निकाल लेते लेकिन यहाँ तो हमें फोर का अपोजिट नंबर पूछा गया है और फोर का अपोजिट नंबर वन होगा बिकॉज टू थ्री टू थ्री दोनों सिचुएशन में कॉमन आ रहे हैं ओके okay? Next question eh? Three positions are given below of a dice. Observe the figure.

नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है अब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर यानी कि सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं पहली सिचुएशन में सिक्स वन थ्री गिवन है दूसरी सिचुएशन में फाइव थ्री फोर गिवन है और तीसरी सिचुएशन में फोर टू और क्वेश्चन मार्क गिवन है अब हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर नंबर फिल करना है ऑप्शंस हैं वन थ्री और फाइव तो अब हमें यहाँ पर नंबर फिल करना है सो so, सबसे पहले तो हम डाइस का ओपन डायग्राम बना लेते हैं तो हमने देखा कि इन दोनों में थ्री कॉमन आ रहा था तो हमने थ्री को कॉमन लेकर एक ओपन सिचुएशन बना दी थ्री कॉमन लिया थ्री से सिक्स वन सो थ्री सिक्स वन क्लॉक वाइज थ्री से फोर फाइव तो फोर फाइव और बचा हुआ टू इस तरफ आ गया अब हमने ये देखा कि फोर और टू जो हैं वो एंटी क्लॉक वाइज हैं और उसके बाद ही एंटी क्लॉक वाइज में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो देखिए फोर और टू के साथ हमें एंटी क्लॉक वाइज में एक सिचुएशन और चाहिए या एक ब्लॉक और चाहिए तो हमने देखा कि फोर और टू तो ऑलरेडी एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं उनके साथ अगर यहाँ पर कोई डाइस होता या यहाँ पर कोई ब्लॉक होता कोई भी फेस होता डाइस का तो वो जो नंबर आता वो नंबर इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह को फिल कर देता है ना तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जब ये सिचुएशन हम बनाते हैं ना तो इस सिचुएशन में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर गिवन कंडीशन जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं चेंजेस क्या कर सकते हैं ये फाइव और ये वन इन दोनों को हम टॉप टू बॉटम कहीं भी ले जा सकते हैं मतलब मैं फ़ाइव को सबसे टॉप वाले ब्लॉक के साथ सबसे टॉप वाले फेस के साथ भी रख सकता हूँ और सबसे बॉटम वाले फेस के साथ भी रख सकता हूँ इनको हम मूव कर सकते हैं टॉप टू बॉटम इस वन को भी हम फर्स्ट फेज के साथ रख सकते हैं और लास्ट फेज के साथ भी रख सकते हैं और ये जो टू है बॉटम वाला फेस इसको मैं यहाँ से उठाकर सबसे टॉप में रख सकता हूँ या टॉप वाले फेस को उठाकर बॉटम में रख सकता हूँ तो ये चेंजेस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर गिवन कंडीशन अब देखिए मुझे फोर और टू के साथ एक ब्लॉक चाहिए एंटी ब्लॉक में तो हम क्या करेंगे इस वन को यहां से हटाकर टू के साथ अरेंज कर देंगे फिर भी ऑपोजिट तो फाइव के वन ही रहेगा क्योंकि ऑल्टरनेट तो वही आएगा ठीक है सो फोर और टू के साथ अगर हम एंटी क्लॉक वाइजली देखें तो अब क्या नंबर आ रहा है वन तो उस तरह से हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस पर नंबर आने वाला है वो है वन तो इस तरह की सिचुएशंस को हमें ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम विच नंबर विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा द सिचुएशन आर फोर फाइव सिक्स Five one two six two क्वेश्चन मार्क वंस अगेन सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि जिसमें क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर हमें आंसर बताना है कि क्या होगा ऑप्शन से हमारे थ्री फोर वन और फाइव इनमें से कोई एक आंसर होगा ओके okay? सो so, इनका ओपन डायग्राम हम ड्रॉ कर लें जो हमें पता है तरीका उसके अकॉर्डिंग हम ओपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में फाइव कॉमन आ रहा है सो so फाइव हमने कॉमन ब्लॉक में कॉमन फेस में रख दिया उसके बाद है सिक्स और फोर ये सिक्स और फोर या वन और टू वन और टू ओके अब सिक्स और टू क्लॉक मूव करवाने हैं तो देखिए अब यहाँ से हम क्लॉक मूव क्या करवा सकते हैं सिक्स और टू को भाई यहाँ थ्री आ जाएगा तो अब हमें सिक्स और टू को क्लॉक रखना है लेकिन हम यहाँ से सिक्स और टू को क्लॉक नहीं रख सकते तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वन टू सिक्स फोर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे तो है ना अब हमें सिक्स और टू को क्लॉकवाइज रखना है सिक्स और टू एडजस्ट फेस होना चाहिए तो हमने देखा कि मैं टू को अगर यहाँ से हटाकर सिक्स के साथ एडजस्ट कर दूं तो सिक्स और टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे और उन दोनों के साथ क्लॉकवाइजली तीसरा जो फेस आ रहा है वो है थ्री तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओके सो इस तरह के क्वेश्चंस टाइप थ्री में आते हैं अब एक और कंडीशन होती है टाइप फोर अब देखिए चाहे डाइस की तीन सिचुएशन गिवन हो चाहे डाइस की चार सिचुएशन गिवन हो अगर हमें ओपन डायग्राम बनाना आता है या हमें यह लॉजिक पता है कि दो नंबर कॉमन होने पर अनकॉमन नंबर अपोजिट हैं, तो हम किसी भी तरह की सिचुएशन में डाइस का अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं चाहे सिचुएशन तीन हो चाहे सिचुएशन चार हो एक लास्ट काइंड ऑफ टाइप्स और बचते हैं टाइप फोर जिसमें क्या होता है कि डाइस का ओपन सिचुएशन हमें गिवन होता है ओपन डायग्राम जो हम बनाते हैं वो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है और हमें ये बताना होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा डाइस ऐसा होगा जो इस ओपन डायग्राम का क्लोज क्लोज डाइस होगा जैसे कि हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फॉर्म्ड वैन गिवन फिगर इज फोल्डेड जब गिवन फिगर को फोल्ड किया जाए तो वो सिचुएशन बने फिगर की कंडीशन है टू वन फोर सिक्स फाइव थ्री हमारे ऑप्शन हैं सिक्स थ्री वन ऑप्शन बी थ्री वन फाइव ऑप्शन सी सिक्स टू फोर एंड ऑप्शन डी वन थ्री फोर अब देखिए हमें इस इन चारों ऑप्शन में से वो बट डाइज बताना है जो इसको फोल्ड करने पर करेक्टली अरेंज होगा भाई हमें पता है कि जब ओपन डायग्राम होता है तो ऑल्टरनेट फेस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी कि टू का अपोजिट फोर होगा वन का अपोजिट सिक्स होगा और फाइव का अपोजिट थ्री होगा अब देखिए वन का अपोजिट सिक्स है लेकिन यहाँ तो सिक्स और वन को एडजेसेंट दे दिया तो ये सिचुएशन तो करेक्ट नहीं हो सकती फाइव का अपोजिट थ्री है लेकिन यहाँ इस सिचुएशन को एडजेसेंट दे दिया तो ये भी करेक्ट नहीं है और टू का अपोजिट फोर है जो यहाँ पर एडजेसेंट दे दिए तो ये सिचुएशन भी करेक्ट नहीं है अब वन थ्री फोर वन थ्री फोर में कोई भी अपोजिट फेसेस नहीं है यानी कि जो ऑप्शन डी में सिचुएशन गिवन है वो हमारी करेक्ट सिचुएशन है तो इस तरह के हमें क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है एक और सिचुएशन हम देखते हैं क्वेश्चन में इस तरह से सिचुएशंस गिवन है। A C D B E F okay. Now the options are E C D C A B E C सी एंड दास्ट ऑप्शन F B A ये चार डाइस सिचुएशन है हमारे पास ओके okay. अब हमें बताना है करेक्ट डाइस कौन सा होगा तो वही अल्टरनेट फेस ए का ऑपोजिट डी है अब ए का ऑपोजिट डी क्या किसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट दे रखा है नहीं दे रखा है B का अपोजिट F है B का अपोजिट F है यानी कि D ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है ना? अब नेक्स्ट हमने देखा कि C का अपोजिट E है वो C और E एडजेसेंट दे रखे हैं यहाँ भी C और E एडजेसेंट दे रखे हैं सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बिकॉज ए बी सी में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे का अपोजिट हो ओके okay? जब इसी तरह से कोई सिचुएशन ओपन में दे रखी हो तो ऑल्टरनेट फेस इस तरह से होंगे और सी का ऑल्टरनेट ऑपोजिट फेस होगा ई सो क्वेश्चन में हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस के बारे में पढ़ा और फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा ठीक है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी हमने समझा सो वी आर डन विद लेक्चर थैंक यू